मंडी के गौहर क्षेत्र में ग्रामीण काफी परेशान है। दरअसल सोंधा रेलवे अंडर ब्रिज में 2400 घंटे पानी भरा रहता है, जिसके चलते स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर रेलवे लाइन पार कर रहे हैं। वही करीब आधा दर्जन से अधिक गांव के ग्रामीण परेशान है। अंडर ब्रिज निर्माण के बाद से ही वाटर लेवल नजदीक होने की वजह से हमेशा ही पानी का रिसाव होने के कारण अंडर ब्रिज भरा रहता है, जिसके कारण करीब आधा दर्जन गाँव के ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। मामले में कांग्रेस जिलाध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा ने कहा कि अगर ग्रामीणों की नहीं सुनी जाती है, समस्या का समाधान नहीं होता है, तो वह ग्रामीणों के साथ मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे। मामला मीडिया के तमाम साथियों के माध्यम से हमारे संज्ञान में आया है, जिस विषय पर हम कलेक्टर इनको अवगत कराने का काम करेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि छोटे छोटे ननियाल बच्चे अंडर ब्रिज में पानी होने के कारण उसमें दस्तकर पार नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं ऊपर लाइन जो रेलवे लाइन है उसको क्रॉस करने का काम ननियाल बच्चे और ग्रामीण जन करते हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ी जनहानि हो सकती है। बहुत परेशानी है यहाँ पे, जब से इसका निर्माण हुआ है ना तब से इसका पानी सूखता ही नहीं है। जब से ये बन रहा था ना तब हम सब लोगों ने कहा था कि यहाँ पे पानी वाटर लेवल बहुत ऊपर है और यहाँ कृपया ऐसे न बनाना है तो ऊपर ओवर ब्रिज बनाए, तो इन्होंने नहीं माना। ऊपर के नहीं, हम कर लेंगे, हमारा मैनेजमेंट ऐसा है वैसा है, पर आप देख सकते हैं जब भी ये पानी आनी आता है ना तो थोड़ी बहुत सीमेंट लगा के चले जाते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा।